इंडियन सिनेमा में आए दिन फिल्में अनाउंस होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती है जिनका इंतजार पब्लिक बहुत बेसब्री से कर रही होती है। उन फिल्मों का उस वक्त बजट लोगों को मायने नहीं रखता, अगर फिल्म के बारे में उन्हें कुछ अच्छा खासा लगा हो तो। जहां लोगों को सलमान खान की रेस 3 का इंतजार था, तो वहीं स्त्री और बधाई हो का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी भी जानना चाहते थे उस वक्त। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के 10 सबसे बड़ी आने वाली फिल्मों के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों, आपके मन में अगर फिल्म से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको 1 घंटे के भीतर रिप्लाई मिलेगा आपके ही कमेंट बॉक्स में। तो पहली फिल्म है KGF चैप्टर 2। इस फिल्म का इंतजार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है। जोक्स अपार्ट, ये डॉन फिल्म का डायलॉग था वैसे तो। KGF जो 2019 के एंड में रिलीज होगी और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल में शुरू होगी। क्रिश 4, राकेश रोशन डायरेक्टेड फिल्म क्रिश 4 2020 में रिलीज होगी। फिल्म में लीड रोल में है ऋतिक रोशन। खबर आई थी कि दोनों फिल्म क्रिश 4 और क्रिश 5 एक साथ शूट होंगे और साल भर का गैप रखकर इसे रिलीज किया जाएगा, लेकिन इस बात की ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई। धूम 4, इस सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी के तो सभी दीवाने, यहाँ तक कि मैं भी हूँ। जॉन अब्राहम से शुरू ही उसके बाद ऐश और ऋतिक साथ आए और तबाही मचा दिया। उसके बाद फिर उस साल यानी कि आमिर खान आए और सारे अवार्ड अपने नाम कर गए। अभी फिल्म के लिए सलमान खान को अप्रोच किया गया, लेकिन भाईजान जानते हैं कि उनके फैंस उन्हें बहुत फॉलो करते हैं और अगर नेगेटिव किरदार में सलमान खान नजर आए तो कहीं उनके फैंस भी उस तरह के कदम ना उठाएं। इसलिए सलमान खान ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फिल्म मेकर शाहरुख खान के पास गए और अभी नाम आ रहा है अक्षय कुमार का। कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2020 में रिलीज होगी। तानाजी द अनसंग वॉरियर, अजय देवगन, सैफली खान, जगपति बाबू समेत कई बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म में नजर आएंगे। ये पीरियड ड्रामा फिल्म है डायरेक्टेड बाई ओम रॉक। ये फिल्म 2019 के एंड में रिलीज हो रही है। मोस्ट अवेटेड फिल्म भारत, 5 जून 2019, सलमान खान, कैटरीना कैफ और दिशा पटानी, डायरेक्टेड बाई अली अब्बास जफर। ब्रह्मास्त्र, 25 दिसंबर 2019, अभी हाल ही में इस फिल्म के कई पोस्टर्स सामने आए हैं। संजू फेम एक्टर रणबीर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे, डायरेक्टेड बाई अयान मुखर्जी। केसरी, 21 मार्च 2019, फिल्म में अक्षय कुमार और परिणीति हैं। फिल्म का एक डायलॉग बहुत ही फेमस हो रहा है, आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा वो लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुराग ने और प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने। साहो, एक्शन थ्रिलर फिल्म, 15 अगस्त 2019, फिल्म में रियल एक्शन हीरो प्रभास और श्रद्धा कपूर हैं। डायरेक्ट किया है सुजीत ने। शमशेरा, 31 जुलाई 2020, रणबीर और वानी कपूर इस फिल्म में लीड रोल के तौर पर नजर आएंगे, डायरेक्टेड बाई करण, प्रोड्यूस बाई आदित्य चोपड़ा। एक और फिल्म का नाम कभी सामने आ रहा है और कभी जा रहा है, वो है महाभारत, आमिर खान स्टारर। सुनने में आया कि आमिर एसएस राजामौली के साथ फिल्म बना सकते हैं, लेकिन कब ये अभी नहीं पता चला। दोस्तों, अगर कोई फिल्म छूट गई हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज़।